खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा ब्लॉक के करंडा ग्राम सभा में शिकायतकर्ता अरुणेश पांडे ने आरोप लगाया कि करीब 20 माह पूर्व स्थानीय गांव निवासी हनी पुत्र जुमराती के नाम से आवास आवंटित किया गया था, परंतु तत्कालीन डीपीआरओ व सचिव पूजा सिंह ने हनीफ को अपात्र बनाया था। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व बीडीओ ब्रजेश कुमार अस्थाना ने नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर बनवाने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने ब्लॉक परिसर में आकर बताया। इस बाबत बीडीओ का कहना है कि हनीफ के विरुद्ध अभी वसूली की नोटिस जारी कर दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि बीडीओ ने पत्रकार को खबर भी छापने से मना कर दिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर अरुणेश कुमार पांडे। अरुणेश जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है सर कि मैं करंडा का रहने वाला हूँ और एक बार करीब 2/2/2021 को एक आवास आया था हमारे ही मतलब उस पर जमीन पे, तो उसको मैं निरस्त करवाया था। सीडीओ साहब भी निरस्त किए थे और ऊपर से लाभार्थी का नाम क्या था? मोहम्मद हनीफ अंसारी और पिता का नाम जुमराती अंसारी। फिर क्या हुआ? तो निरस्त किया गया, यहाँ से बीडीओ साहब के यहाँ से भी निरस्त किया गया, वहाँ सीडीओ साहब के से भी निरस्त किया गया, डीएम साहब को तहसील दिवस में दिया गया उसमें भी निरस्त किया गया। और उसके बाद फिर दोबारा जो है कि 29/11/2022 को जो है अब खंड विकास अधिकारी जी के द्वारा तत्कालीन जो इस समय है उनके द्वारा पास किया गया है कि 40,000 रुपये और उनके खाते में देय खाते में जो पैसा था उस समय और वसूली भी नहीं की गई, वसूली का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी दोबारा उस पर जो है कि बनाने का जो है कि एक हफ्ते एक महीने के अंदर जो है। क्या नाम है वीडियो का जो बनाने का आदेश दिया था? अब नाम तो सर नहीं पता है, लेकिन हमें लगता है कि इस ये जो वीडियो साहब हैं उससे तीसरे वाले नंबर मतलब इससे एक और बदले और उसके पहले वाले शायद थे। कौन आदेश किया है कि नहीं आप आवास बनाइए? आदेश खंड विकास अधिकारी। क्या नाम है इनका? अब इनका नाम भी मैं नहीं जान पाता हूँ क्योंकि एक आध हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही आए हैं शायद। इस समय ब्लॉक में है वो? जी।